हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको किशमिश यानी कि रेजिन्स के होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। आप डेफिनेटली इस ड्राई फ्रूट को पहले से जानते होंगे, लेकिन इसके होने वाले हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे हैं इनके बारे में शायद आप ना जानते हों, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को जो इसका सेवन करते हैं या इसका सेवन करना चाहते हैं, उनको इसका सेवन करने का सही तरीका नहीं पता होता है कि कब और कैसे और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए, जैसे लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, जो मैरिड लोग होते हैं उनके लिए, जो बच्चे होते हैं उनके लिए, बिल्कुल अलग अलग तरीके से अगर आप इसका यूज़ करेंगे, देन डेफिनेटली ये हमारे शरीर के लिए एक रामबाण औषधि का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्रमुख तत्व मौजूद होते हैं। ये हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को, जैसे कि बुखार, एनीमिया, कब्ज़, पेट में किसी भी तरह की एसिडिटी या पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या यौन रोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से ख़त्म रखने की ताकत रखती है, ठीक है। रेजिन यानी कि किशमिश तीन अलग अलग कलर्स में आती है। पहला जो कलर है वो सुनहरा होता है इसका, काले रंग की भी होती है और हरे रंग की भी होती है। अगर आप, मैं आज आपको इन तीनों किशमिश को अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ करना है, आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और उसका मैं तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो लोग अपने दुबले पतले शरीर से परेशान हैं, ठीक है, या शरीर की कमजोरी से परेशान हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन और ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट है, ठीक है। कई बार हम केला और दूध, इन दोनों का सेवन कर सकते हैं ताकि हमारे शरीर का जो दुबला पतलापन है वो दूर हो जाए, लेकिन वो केला और दूध हमारे शरीर को सही तरीके से लग नहीं पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा पाचन तंत्र उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप जब भी केला और दूध का सेवन करें, चाहे तो आप दोनों को एक साथ कर रहे हों या आप मिल्क शेक बनाकर इसका यूज़ कर रहे हों, बनाना शेक बनाकर आप केले और दूध का सेवन कर रहे हों, आप उसमें किशमिश ज़रूर ऐड करें, और आप उस वक्त जो ग्रीन वाली किशमिश होती है उसको प्रेफर करें, ठीक है। अगर आप केला और दूध खा रहे हैं तो ऊपर से 10 से 15 ग्राम किशमिश को चबा चबा कर खाएं, तो जो केला और दूध है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और आपके शरीर में उसकी ताकत भी दिखाई देगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसका बेनिफिट होता है दोस्तों, वो मधुमेह रोगों के लिए होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। शुगर को नियंत्रण करने में किशमिश बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। डायबिटिक के पेशेंट को खाना खाने के बाद इंसुलिन का जो स्तर है वो एकदम से बढ़ जाता है, और ये केवल एक ही ड्राई फ्रूट है जो शरीर द्वारा शुगर लेने की प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाता है, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ करने के लिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो रात में 10 से 15 ग्राम किशमिश को लगभग आधे गिलास पानी में भिगो कर रख दें, और सुबह खाली पेट उन किशमिश को चबा चबा कर खाएं। ये आपके दिन की सबसे पहली डाइट होनी चाहिए। उसको चबा चबा कर खाने के बाद में जो पानी, यानी कि जिसमें हमने किशमिश को भिगो कर रखा था, उस पानी को ऊपर से पी लें, ठीक है। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी एक बेहतरीन दवाई का काम करती है। उसके बाद में अगर बुखार की बात की जाए, तो बुखार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एनीमिया यानी कि खून की कमी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन यानी कि लोहा भरपूर मात्रा में होता है, जो एनीमिया के उपचार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस ड्राई फ्रूट में आयरन के अलावा विटामिन बी और कॉपर भी पाया जाता है, जो नया खून और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जिससे एनीमिया के दौरान खून की कमी बिल्कुल दूर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड, ये हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और किशमिश में कैल्शियम होता है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी पूरी करके हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें बोरोन तत्व भी मौजूद होता है, जो महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। पोटेशियम भी एक ऐसा तत्व है जो किशमिश में होता है और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आप इसका अगर रेगुलर बेसिस पर सेवन करेंगे, तो जो शरीर की कमजोरी या हड्डियों की कमजोरी होती है, ये उसको भी दूर करेगा। बात करें अगर यौन रोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की या गुप्त रोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो उसमें भी किशमिश बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप ग्रीन कलर की किशमिश को लगभग 10 से 15 ग्राम किशमिश आप लें, उसको साफ करके धो लें, और उसमें फिर आप एक चम्मच शहद मिलाएं, ठीक है। आप इसको
इन दोनों को रात में मिक्स करके रख सकते हैं, या आप सुबह लगभग एक घंटे तक इन दोनों को मिक्स करके ऐसे ही रख दें, और एक घंटे के बाद आप उस किशमिश और शहद को सुबह खाली पेट खाएं, और उसके बाद में आप ऊपर से लगभग एक गिलास गुनगुना दूध पिएं। तो जो आपके गुप्त रोग हैं, चाहे शीघ्र पतन हो, या वीर्य में पतलेपन की प्रॉब्लम हो, या मर्दाना कमजोरी आ गई हो, ये उनसे भी आपको निजात दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, दांतों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दांतों को मजबूत बनाने और दांतों के रोगों से बचने के लिए किशमिश ज़रूर खानी चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया है, किशमिश में कैल्शियम होता है जो दांतों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। दांतों को ख़राब करने वाले बैक्टीरिया से हमारे दांतों की रक्षा करता है। ठीक है, अगर आप इसका सेवन दूध में करना चाहते हैं, आप अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आप जो काली किशमिश होती है उसको रात में एक गिलास दूध में भिगो कर रख दें। अगले दिन आप उस किशमिश को उसी दूध में बॉईल करें, 3 से 4 बार उसमें उबाल आ जाने के बाद में उसमें लगभग 5 से 7 ग्राम आप सौंफ डालें और उनको अच्छी तरीके से बॉईल करें। बॉईल करने के बाद में आप उस किशमिश को और उस सौंफ को खाएं और ऊपर से उस दूध को पिएं। डेफिनेटली जो काली किशमिश होती है वो दूध के साथ में हमें यूज़ करनी चाहिए, और इसके होने वाले बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, ये सारे रोगों को दूर करने की एक बेहतरीन औषधि है। आप ग्रीन वाली किशमिश को पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं, या मिल्क शेक में खा सकते हैं, या आप शहद के साथ खा सकते हैं। जो काली किशमिश होती है उसको आप दूध के साथ में सेवन करें। ठीक है, इसके होने वाले अद्भुत फ़ायदे हैं, आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। और ये हमारे शरीर से कई सारे रोगों को दूर करने के साथ साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इसका सेवन ज़रूर शुरू करें। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, और डेफिनेटली आपको इसके फ़ायदे होते हुए अपने शरीर में बहुत जल्द दिखाई देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी किशमिश के होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जान सकें। धन्यवाद।